नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक स्टाइल लेवल बॉक्स क्या होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड फाइल खोल लेते हैं और ये जानते हैं कि स्टाइल डायलॉग बॉक्स कहाँ पर होता है होम मेन्यू। तो स्टाइल डायलॉग बॉक्स होम मेन्यू में आपके क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ठीक है, चौथा आपका जो ग्रुप है वो स्टाइल ग्रुप है। अब स्टाइल ग्रुप होता क्या है और क्या यूज होता है? स्टाइल्स प्रीडिफाइंड यूजबल सेट्स हैं किसकी? फॉर्मेटिंग ऑप्शंस की, ठीक है। तो अगर हमें बार बार फॉर्मेटिंग की आवश्यकता पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट में तो हम इन प्रीडिफाइंड ऑप्शंस का इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं ताकि फॉर्मेटिंग जो है आपकी कंसिस्टेंट बनी रहे, एक जैसी बनी रहे, ठीक है, और देखने में वो डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। तो स्टाइल टाइप्स हमारे पास चार तरीके होते हैं। सबसे पहला है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है? पैराग्राफ के अंदर लगातार कोई लाइन लिखी हुई है बिना एंटर की दबाए, तो वो सब चीजें क्या है, पैराग्राफ में आ गई है। और पैराग्राफ का साथ आपने जो प्रॉपर्टीज ऐड करी है उसकी, यानी कि इसका जो अलाइनमेंट है वो आपने कैसा रखा हुआ है, ठीक है, उसमें टैब्स, इंडेंट, स्पेसिंग, पोजीशंस कैसे रखी हुई हैं, उसके पैराग्राफ के चारों तरफ आपने कोई बॉर्डर लगाया कि नहीं, या फिर जो भी इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो आप सेट कर सकते हैं। देन आता है किसी टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट का मतलब है एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, यानी ए बी सी, या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब लेटर्स आपके हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे शब्द हो सकते हैं, मतलब पूरा पैराग्राफ ना करके आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पे किसी छोटे से टाइटल पे कर रहे हो। देन उन कैरेक्टर्स का फॉन्ट, उनके फॉन्ट स्टाइल्स यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर और उनकी बॉर्डर और उनके बैकग्राउंड कलर यानी कि शेडिंग को हम चेंज कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों आपके पास लिस्ट। डॉक्यूमेंट में आप विभिन्न प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं, उनके लिए जितने भी आप बुलेट्स या नंबरिंग स्कीम दे रहे हैं उनका अलाइनमेंट, उनका इंडेंशन, उनको आप सेट कर सकते हैं। और टेबल, टेबल में जितनी भी आपकी रोज कॉलम्स है उनके बॉर्डर, उनके अलाइनमेंट या उनकी फॉर्मेटिंग कैसे की हुई है। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम प्री बिल्ड स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री बिल्ड स्टाइल्स यहाँ पर आपके सामने देखिए, स्टाइल ग्रुप में अगर आप देखें तो आपको काफी सारी प्री बिल्ड स्टाइल्स यहाँ पर दी हुई है। इनमें अगर और है तो आप ये एरो बटन के नीचे क्लिक कर सकते हैं, सेकेंड रो इसकी आ जाएगी। और फुल विंडो में अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो सारी यहाँ पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो किसी भी, देखिए, किसी भी अगर स्टाइल में मैं अपना कर्सर यहाँ पर ले जाता हूँ तो जो स्टाइल बैकग्राउंड में है उनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये है हमारी जैसे नॉर्मल, देन स्टाइल वन यहाँ दिया हुआ, नो स्पेसिंग, हेडिंग वन, टाइटल, सब टाइटल, और ऐसे ही आपके अलग अलग यहाँ पर बनी हुई है। इसी चीज को दोस्तों आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स का जो लॉन्चर बटन है यहाँ पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे स्टाइल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। इसका शॉर्टकट क्यों दोस्तों होता है? कंट्रोल Alt Shift और उसके साथ हम दबाते हैं S, ठीक है, Control Alt Shift और S। जैसे ही हम की दबाते हैं स्टाइल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने यहाँ आ जाता है। देन स्टाइल का डायलॉग बॉक्स में आपको सबसे सिंपल किसी भी डायलॉग बॉक्स की तरह सेम चीज दिखती है कि आप इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको मूव करता हूँ एक फोर हेडेड की वाला आइकन यहाँ पर आ जाता है, तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ और इसको यहाँ से घुमा सकता हूँ, ठीक है, और इधर साइड ले आके रख सकता हूँ, चिपका सकता हूँ। देन आता है इसका साइज, तो साइज भी आप देखिए, है ना, आप डिटेल में इसको दे सकते हैं। देन इसको आप चाहते हैं यहाँ से क्लोज कर दे, तो प्रीबिल्ट स्टाइल्स का इस्तेमाल आप ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। देन आता है एड स्टाइल्स टू क्विक एक्सेस गैलरी, यानी कि कोई स्टाइल अगर आपने बनाई हुई है नहीं और आपको इसमें ऐड करना है तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट आर एस दबाते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक बिजनेस फ्लेक्स नाम की एक स्टाइल यहाँ पर हमारे पास बनी रखी है, पर यहाँ पर इसमें शो नहीं हो रही, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं एड टू क्विक स्टाइल गैलरी। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप बिजनेस फ्लेक्स यहाँ पर जो क्विक स्टाइल गैलरी है इसमें एड हो गए। उसके बाद हम क्रिएट न्यू स्टाइल, ठीक है, एक नई स्टाइल कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर आप स्टाइल ग्रुप में अंदर यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखेंगे, पहला है आपका पास न्यू स्टाइल। तो जैसे आप न्यू स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास एक ओपन हो गया। एक नई स्टाइल बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें उसका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लग देता हूँ माई न्यू स्टाइल। देन स्टाइल टाइप, तो पैराग्राफ के लिए बना रहे हैं आप, कैरेक्टर के लिए बना रहे हैं, लिंक पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ और कैरेक्टर्स में आपस में लिंक हो, किसी टेबल के लिए बना रहे हैं या फॉर लिस्ट के लिए बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पैराग्राफ लिख लेते हैं। देन ये स्टाइल बेस टाइप की होगी आपके, लिस्ट पैराग्राफ की होगी, तो लिस्ट पैराग्राफ की जगह आप इसको नॉर्मल रखिए। देन स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, तो माई न्यू स्टाइल की जगह इसको भी आप नॉर्मल कर लीजिए। देन यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में आप देखिए तो ये फॉन्ट्स के जो टूल बार्स है ये यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। देन पैराग्राफ के जो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडवे में इसको लेता हूँ, साइज में आपको यहाँ पर 18 रखना चाहता हूँ, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडर रखना चाहता हूँ, देन उसका कलर भी मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रख लेता हूँ मैं और इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ और इनको अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जैसा भी मैं करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, ठीक है। और नंबरिंग के लिए मैं या बुलेट्स के लिए मैं, इंडेंशन के लिए मैं इसको यहाँ से इस्तेमाल ऐसे कर सकता हूँ।
ठीक है। तो आप जो भी सेटिंग देखेंगे उसका एक तो प्रीव्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, देन दूसरा आप उसकी समरी यहाँ पर देख सकते हैं। तो समरी में आप देख सकते हैं कि फॉन्ट आपने कौन सा यूज किया है और फॉन्ट की डिटेल्स आप देख सकते हैं, कलर्स वगैरह, साइज का, स्पेसिंग्स वगैरह, टैब वगैरह, स्टेप पोजिशन वगैरह और इंडेंट्स वगैरह जो भी आपने इसमें यूज किया हुआ वो सारे आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें से चीज हटानी है तो आप इसमें सिंपली यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। और सारी सेटिंग देने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पर एक एड टू क्विक स्टाइल सेट लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्विक स्टाइल सेट में ऐड हो जाए। तो अगर आप अनटिक करते हैं तो ऐड नहीं होगी, तो फॉर एग्जाम्पल बाई डिफॉल्ट टिक ही रहने देते हैं। देन यहाँ कहते हैं आप ऑटोमेटिकली अपडेट, यानी कि जब भी आप कोई नया फीचर बनाएंगे या पुराना कुछ इसमें लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेटिंग के साथ साथ अपडेट हो जाए। देन आप कहते हैं कि ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि मुझे इसी डॉक्यूमेंट में ये स्टाइल क्रिएट करनी है, जो नए डॉक्यूमेंट में बनाऊंगा इस टेम्पलेट के आधार पर उनमें भी ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस पे रहने देते हैं। देन आपको यहाँ पर देखो दोस्तों फॉर्मेट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें आपको देखिए फॉन्ट, फॉन्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फॉन्ट और कैरेक्टर स्पेसिंग से रिलेटेड में सारे फीचर्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों इसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ वाले वीडियो में आपको मैंने इंडेंट्स और स्पेसिंग, देन लाइन पेज ब्रेक्स के बारे में जो चीजें बताई थी वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आता है दोस्तों टैब्स, टैब्स के बारे में भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो टैब पोजिशन आप इसमें चाहे तो बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। देन बॉर्डर, बॉर्डर के बारे में भी दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। देन लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चाहिए तो हम इंग्लिश ही, अगर कोई स्पेशल लैंग्वेज हम चाहें तो हम यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि डू नॉट चेक स्पेलिंग या ग्रामर फॉर दिस स्टाइल, अगर आप इसको चेक करते हैं तो स्पेलिंग ग्रामर इसमें चेक नहीं करेगा। देन अलग अलग डिजाइन के फ्रेम बना सकते हैं, विथ और साइज इनकी यहाँ से आप दे सकते हैं, यहाँ पर कितनी रहे उनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उनको लॉक यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अगर डिटेल में जाए तो आप नंबरिंग के लिए और बुलेट्स यहाँ पर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आप चाहिए तो कोई नई डिफॉल्ट बुलेट भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और शॉर्टकट की अगर हम बनाना चाहें किसी नए स्टाइल की, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नई स्टाइल की है, तो हम उसको बनाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और मान लीजिए हम बनाते हैं के। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और के के साथ हम इसके लिए शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं, से ओके कर देते हैं और देन इसको हम ओके कर देते हैं। तो आप ये देखिए जिस हिसाब से मैंने जो सेटिंग दी हुई है यहाँ पर माय न्यू लिस्ट स्टाइल में, अगर मैं इस पर कर्सर रखता हूँ तो इसकी समरी जो मुझे बाय डिफॉल्ट दिखाई देती है कि सबसे ऊपर तो मेरे स्टाइल का नाम आता है, देन फॉन्ट मैंने क्या यूज किए हुए हैं, पैराग्राफ में मैंने क्या सेटिंग की हुई है, बुलेट्स और नंबरिंग मैंने क्या दिए हुए हैं, उनके लेवल्स और अलाइनमेंट इंटेंशन में आप देख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से स्टाइल की समरी मैं इसमें चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसके साथ बाकी सारे के लिए भी चेंज करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिंपल इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपने नए स्टाइल को जा सकता हूँ और सिर्फ सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबके लिए चीजें ये अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप स्टाइल क्रिएट नहीं कर सकते। स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके आप लास्ट में स्टाइल ऑप्शन आप देख सकते हैं, देन यहाँ पर भी आता है आपके पास सेव सिलेक्शन एज ए न्यू स्टाइल, तो इसको कर सकते हैं और यहाँ पर एक और नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टाइल 2 यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ और साथ ही साथ इसके यहाँ से इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और वही सारे ऑप्शंस में जो क्रिएट स्टाइल करते वक्त आपको बताए थे वो सारे आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक और स्टाइल 2 बना ली। एक और बनाने के लिए दोस्तों आपको ये पास ये है कि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने स्टाइल ग्रुप में जाइए, तो स्टाइल ग्रुप में अगर यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आता ऑप्शन सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली स्टाइल 3 नाम से यहाँ पर आने लगा। इसको भी मैं चाहूँ तो वेन मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो जस्ट हम इसका क्या करते हैं साइज चेंज, कलर चेंज कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आपके पास देखिए 3 स्टाइल होंगे, माई स्टाइल 1, देन स्टाइल और स्टाइल 3, ऐसे आप काफी सारे अलग अलग स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, और इनके शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपने शॉर्टकट की जो हमने बनाया था कंट्रोल शिफ्ट और के, तो वापस आप देखिए जो मेरी माय न्यू स्टाइल नाम से मैंने सेव करी थी वो यहाँ पर चेंज हो गई है। देन दोस्तों हम इसको चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप तो पहले सिलेक्ट लीजिए जिसके लिए आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, देन उस स्टाइल पर राइट क्लिक करिए जिसको आपको मॉडिफाई करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके देखिए एक मॉडिफाई ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मॉडिफाई आप इसे कर सकते हैं, मॉडिफाई क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई स्टाइल का आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और सेम सारे फीचर्स जो आपने क्रिएट न्यू स्टाइल करते वक्त यहाँ पर करी थी वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ब्रॉडवे नहीं चाहिए, मुझे इसके अलावा हाई टावर टेक्स्ट, ये मुझे फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और इनके अलावा मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अंडरलाइन नहीं रखना चाहता हूँ और इटैलिक भी नहीं रखना चाहता हूँ, सिंपल बोल्ड रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको जैसे ओके करता हूँ तो ये मेरी स्टाइल मॉडिफाई होके और अपडेट हो गई। देन सेव एज क्विक स्टाइल से, तो सेव एज क्विक स्टाइल से मैं यहाँ पर चेंज स्टाइल्स के अंदर पहले से बने बनाए काफी सारे स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर मैं सभी के लिए मान लीजिए एक साथ चेंज करना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल सेट पे जाता हूँ और
यहाँ पर अगर मैं कलर पे होवर करता हूँ, ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, सभी के लिए पर्टिकुलर स्टाइल सेट यहाँ पर दिया हुआ है। देन कलर्स पे भी सबके लिए मैं चेंज चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग कलर ऑप्शंस पे मैं अगर अपना कर्सर रखता हूँ तो ऑप्शंस मुझे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। सभी के लिए आप एक जैसा कर सकते हैं। इसके साथ ही फॉन्ट्स भी आप चाहें तो सभी के लिए कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों आता है रिमूव अ स्टाइल। तो ये बिजनेस टेक्स्ट जो हमने यहाँ पर पहले ऐड करा था, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर यूज नहीं करता हूं और पड़ा हुआ है, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिंपल कर सकता हूँ रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी। सिर्फ क्विक स्टाइल गैलरी से मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसे डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पर ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा फाइनल स्टाइल से। इसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए आप इसको यहाँ से डिलीट बिजनेस टैक्स अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो डिलीट होने से पूछेगा आपसे कि आपसे वाकई में डिलीट करना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं यस, तो वो परमानेंटली यहाँ से डिलीट होगा। देन आता है दोस्तों रीनेम स्टाइल। मान लीजिए कि यहाँ पर माई स्टाइल न्यू मैंने बनाई थी, देन स्टाइल टू और स्टाइल थ्री, और स्टाइल टू और स्टाइल थ्री के लिए मैं पहले नाम नहीं दे पाया था और मैं इनको अब रीनेम करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ बोल सकता हूँ मैं आईटी वाले सर टू, ठीक है, ऐसे ओके कर सकता हूँ। देन तो उसका मैं एक प्रॉपर नाम यहाँ पर दे सकता हूँ। देन आता है दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए ये है कि जितनी फॉर्मेटिंग आपने की हुई है और आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको क्या क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपने स्टाइल ग्रुप के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे जाता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग सभी के लिए कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सभी के लिए, आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग इस पर्टिकुलर जिसके लिए मैंने टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट करी थी उसके लिए हो गई है। इसको अंडू कर लेते हैं। इन सभी के अलावा यहाँ पर अगर स्टाइल ग्रुप में आप देखेंगे, ठीक है, तो आप इसको शो प्रीव्यू बटन पहले से टिक किया हुआ, अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो ये सभी स्टाइल्स यहाँ पर मुझे सिंपल टेक्स्ट में दिखेंगे, ठीक। ये वही सारी स्टाइल्स है जो आपको दोस्तों क्विक एक्सेस गैलरी में यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ आपको सिर्फ वही स्टाइल दिखाई देती है जो आप ऐड करके क्विक स्टाइल गैलरी में रखते हैं, देन आपको ऑल जितनी भी आपकी स्टाइल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो अगर आप शो करते हैं इसको तो ये आपको अलग अलग वेरिएंट्स में बताता है कि वो स्टाइल किस प्रकार है। देन आता है आपको न्यू स्टाइल ऑप्शन, मैंने आपको यहाँ पर पहले बता ही चुका हूँ, क्रिएट न्यू फॉर्मेट स्टाइल। देन यहाँ पर आता है दोस्तों आपके एक स्टाइल इंस्पेक्टर। तो स्टाइल इंस्पेक्टर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को चेक कर सकते हैं और उनको यहाँ पर रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट टू नॉर्मल पैराग्राफ या रिसेट टू क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका रिवील फॉर्मेटिंग का और दिया हुआ, तो रिवील फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं जो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया गया था मेरे द्वारा उसमें हमने फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शन करे हुए, तो रिवील कर देता है ये आपके फॉर्मेटिंग को, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कैरेक्टर स्टाइल कौन सा है, फॉन्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, तो डिटेल में आप इसकी समरी चेक कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको और दिए हुए, तो अगर मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये स्टाइल पेन के ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्टाइल्स टू शो, यानी कि कौन कौन स्टाइल्स शो होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे बाय डिफॉल्ट रहता है रिकमेंडेड, तो रिकमेंडेड के अलावा इन यूज अगर आप करेंगे तो केवल वही वाले स्टाइल्स आप देख पाएंगे जो आप इस डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं। देन आता है करंट डॉक्यूमेंट, तो करंट डॉक्यूमेंट में हम ये सकते हैं करंट डॉक्यूमेंट में कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या तो इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए करंट डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास पहले थे वो वैसे आ गए। देन लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑल स्टाइल्स, तो ऑल स्टाइल्स में अगर जितने भी हो सब यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे काफी सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए जैसे हम बनाते हैं बिब्लियोग्राफी बनाते हैं सोर्स प्रीव्यू अनटिक करते हैं और आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास स्टाइल्स के लिए अवेलेबल है। तो इनमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, हेडिंग के लिए, टाइटल और सबटाइटल्स के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए, और भी यहाँ पर डेट, एचटीएमएल, इंडेक्स, सभी के लिए आप अलग अलग बना सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कंट्रोल आर्ट शिफ्ट से आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और कोई नया स्टाइल ऑप्शन हम बना रहे हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्टाइल सेटिंग को हम एडवांस्ड वर्ड ऑप्शन से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वर्ड ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ पर हम एडवांस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कीप ट्रैक ऑफ फॉर्मेटिंग पहले से बाय डिफॉल्ट, कीप ट्रैक ऑफ फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग कब कब किस किस वक्त क्या क्या की जा रही है इस डॉक्यूमेंट में, तो उसका ट्रैक मतलब रखता है यानी कि उसका रिकॉर्ड रखता है। उसके ऊपर आप देखेंगे प्रॉम्प्ट टू अपडेट स्टाइल, प्रॉम्प्ट मतलब जब भी हम स्टाइल अपडेट करें तो हमको पूछा जाए एक बार, ठीक है। देन यूज नॉर्मल स्टाइल फॉर बुलेट और नंबरिंग लिस्ट, जब भी हम बुलेट और नंबरिंग लिस्ट बनाए तो एक नॉर्मल स्टाइल यूज किया जाए। देन मार्क फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंस, ठीक है, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी इसमें होती है तो उसको फॉर्मेटिंग में मार्क की जाए। देन यहाँ पर इनेबल क्लिक एंड टाइप पहले से दिया, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल आपको पहले से नॉर्मल दिया हो, आप चाहे तो डिफॉल्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।